दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है रेगिस्तान का खजाना। ये एक्शन एडवेंचर कॉमिक्स है मनोज कॉमिक वालों की, तो पढ़ते हैं इसको। रेगिस्तान का खजाना। मॉरिशस का विशाल रेगिस्तान सूरज की गर्मी से तप रहा था। वीरान रेगिस्तान की तपती हुई उस रेत पर लगा एक टेंट बड़ा विचित्र दिखाई दे रहा था। भारतीय मूल के दो मॉरिशस नागरिक टेंट के भीतर बैठे थे। दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। आज रेत कुछ ज्यादा ही तप रही है राणा। हाँ विक्रम, गर्मी बहुत अधिक है, ऐसे में कोई भी सांप बाहर नहीं निकलता। यह दोनों दोस्त रेगिस्तान सांप पकड़ने के लिए यहाँ डेरा डाले हुए थे। लंच खाने के बाद वे अपने ऊँटों को देखने के लिए टेंट से बाहर आए। यह ऊँट तो मजे में, इन्हें गर्मी से कोई परेशानी नहीं है। यह रेगिस्तान वातावरण के व्यस्त होते हैं इसलिए। तभी उन्हें दूर रेगिस्तान में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ नजर आया। अरे वह देखो, दौड़ते दौड़ते अचानक वह गिर गया। ओह वह गिर गया, चलो उसकी सहायता करते हैं। दोनों उसके निकट पहुंचे। यह रेगिस्तान की गर्मी और प्यास का शिकार हो गया है। अरे यह तो सोनलाल है, मेरा दोस्त। हाँ मैंने पहली नजर में तो इसे पहचाना ही नहीं, लेकिन यह तो लखपति आदमी है, अपने कस्बे गोल्डन टाउन का सबसे धनी व्यक्ति है। यह यहाँ रेगिस्तान में क्या कर रहा है? इसे उठाकर टेंट में ले चलते हैं। दोनों ने मिलकर उसे उठा लिया। राणा ने उसके मुंह में पानी की बूंदें टपकाई। लगता है यह बहुत देर से प्यासा है। हाँ अचानक उसके शरीर में हरकत हुई और उसके मुंह से स्वर निकला, वह मेरा दोस्त मर जाएगा, प्यासा है प्यासा। विक्रम ऐसा लगता है इसका कोई साथी रेगिस्तान में फंसा हुआ है। हाँ और हमें उसकी भी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसे ढूंढे कैसे? यह जिधर से दौड़ता आया है उधर रेत पर इसके कदमों के निशान बन गए होंगे। उन निशानों की मदद से इसके साथी को ढूंढा जा सकता है। गुड आइडिया, तो यह काम तुम करो, ऊँट लेकर उसकी तलाश में निकल जाओ, मैं सोनलाल को संभालता हूँ। ओके। ऊँट पर खुराक पानी और फर्स्ट एड बॉक्स लादकर विक्रम चल दिया। वह यहाँ गिरा था और वह रहे कदमों के निशान। रेगिस्तान की गर्मी असहनीय थी। ओ गॉड, 1 घंटा हो गया भटकते हुए, न तो यह निशान समाप्त होते हैं और न कोई नजर आता है। कुछ दूर और चलने के बाद ओह वहां गिद्ध मंडरा रहे हैं, जरूर वहां किसी इंसान या जानवर की लाश पड़ी है। अतः उसने ऊंट को तेजी से दौड़ा दिया। अगर वह बेहोश भी हुआ तो भी गिद्ध उसे नोच खाएंगे। निकट पहुंचकर सबसे पहले उसे एक जीप दिखाई दी। यह जीप सोनलाल और उसके दोस्त की होगी। जब वह उस ओर बढ़ा तो सभी गिद्ध उड़कर दूर चले गए थे। ओह यह तो मर चुका है बेचारा। गिद्धों ने इसका काफी मांस खा डाला है, अब इसे किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं है। फिर उसने वही रेत में कब्र खोदकर लाश को दबा दिया। कम से कम गिद्धों का शिकार होने से बच जाएगा। विक्रम वापस डेरे पर पहुंचा। राणा बारी खड़ा था। क्या हुआ, कोई मिला? हाँ मिल गया लेकिन मुर्दा। और फिर उसने विस्तार से सब कुछ बता दिया। बहुत बुरा हुआ विक्रम, बेचारा सोनलाल भी नहीं बच सका, उसके शरीर में पानी बिल्कुल खत्म हो गया था। तुम्हारे जाने के कुछ ही देर बाद वह भी मर गया था। ओह बेचारा। सोनलाल की लाश टेंट में पड़ी थी। मेरा विचार इसे भी रेत में कब्र खोदकर दबा देना चाहिए, नहीं इसकी लाश हम गोल्डन टाउन लेकर चलेंगे और वहीं इसका अंतिम संस्कार होगा। मैं तुम्हें एक विचित्र बात बताना चाहता हूं। क्या? सोनलाल अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक मुझे बना गया है। उसका एक 18 वर्षीय बेटा भी है जिसका नाम राकेश है। उसकी देखभाल भी अब मुझे ही करनी पड़ेगी। सोनलाल बकायदा वसीयतनामा लिखकर गया है। राणा ने उसे वसीयतनामा दिखाया। सचमुच अजीब बात है, लाखों की दौलत अब तुम्हारे हाथ में। वसीयतनामे में लिखा कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध राकेश अपने बाप की दौलत में से एक पाई भी नहीं ले सकता। हाँ लेकिन मैं उसके साथ अन्याय नहीं करूंगा। सोनलाल ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसे पूरा करना ये मेरा उद्देश्य रहेगा। उसी दिन शाम को वह सोनलाल की लाश लेकर वापस चल दिए। गोल्डन टाउन में सोनलाल का अंतिम संस्कार किया गया। उसके बेटे राकेश ने चिता को अग्नि दी। राणा अब सोनलाल के सारे कारोबार का प्रबंधक था और उसके दफ्तर में बैठता था, लेकिन राकेश के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। मुझे कुछ रुपये की जरूरत है अंकल, तुम्हारी फिजूल खर्ची के लिए मेरे पास रुपये नहीं है। क्यों नहीं है? यह सारी दौलत मेरी ही तो है, पापा ने आपको सिर्फ प्रबंधक बनाया है। हाँ
उन्होंने मुझे प्रबंधक इसलिए बनाया ताकि तुम यह सारी दौलत बर्बाद न कर सको। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम बहुत कमजोर और कायर इंसान हो, न तुम दौलत को संभाल सकते हो न ही खुद को। तो क्या आप हमेशा के लिए मेरी दौलत पर कब्जा करके बैठ गए हैं? जब तक तुम जीवन के रहस्य को समझ नहीं लेते, अपना आलस छोड़ नहीं देते और तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, तब तक मैं ही प्रबंधक बना रहूंगा। शादी शादी तो मैं भी करना चाहता हूँ। यहाँ एक लड़की है, उसका नाम पिंकी है, मैं उससे शादी करूंगा। तुम्हारा मतलब है वह पिंकी जिसकी मम्मी फूड कॉर्नर नामक रेस्टोरेंट चलाती है? हाँ वही पिंकी। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत बहादुर भी है। आजकल वह पैराशूट लैंडिंग सीख रही है, उसे हवाई जहाज से कूदने में बहुत आनंद आता है। मैं पिंकी से मिलूंगा, उसे यहाँ लेकर आओ। और राकेश पिंकी से मिलने उसके रेस्टोरेंट पहुंचा। हाय पिंकी। हेलो राकेश, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? बाजार गए तुम क्या? मम्मी से मिलने आए हो? मिलने तो तुमसे आया हूं, लेकिन वह फिर आ गया। कौन है यह? इसका नाम बोंगा है, बहुत बड़ा गुंडा है, रोज आकर मुझे तंग करता है। बोंगा काउंटर के निकट पहुंच गया। पिंकी, आज शाम तू मेरे साथ पिक्चर देखने चलेगी? मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें चलना पड़ेगा, नहीं तो इस रेस्टोरेंट में आग लगा दूंगा। पिंकी कहीं नहीं जाएगी। तू कौन है बेपिद्दी? मेरा नाम राकेश है और पिंकी मेरी मंगेतर है। अबे ओ मंगेतर की दुम, अभी तेरे दूध के दांत तो टूटे नहीं और मंगेतर बनाने चला है, चल फूट यहाँ से। तमीज से बात करो मिस्टर, मैंने स्कूल में बॉक्सिंग सीखी है। सीखी नहीं, अब मैं सिखाता हूँ। घिशुम ओ राकेश, तुरंत ही उठा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं राकेश, आ जा। उसका एक भी गुस्सा निशाने पर नहीं लग पाया था। हा। और कुछ ही क्षणों में वह आपने लगा था। घिशुम आई, थक गए बेटा, ले अभी यह धरती धकेल मुक्का संभाल। फिर बोंगा ने बेदर्दी से उसकी पिटाई शुरू कर दी। घिशुम घिशुम। राकेश के होंठ फट गए थे, नाक से खून बह रहा था और आंखें सूज गई थी। दौड़ आह, अब तो कभी बोंगा से उलझने की कोशिश नहीं करेगा। फिर वह पागलों की तरह हंसता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। हा। और राकेश, तुम्हें बहुत मारा उस जालिम ने। और जब राकेश राणा के सामने पहुंचा तो वह उसकी यह हालत देख चौंका। अरे क्या हुआ तुम्हें? राकेश ने उसे सारी बात बता दी। उसकी बात सुनने के बाद, तुम्हारे पापा ने ठीक ही कहा था कि तुम कायर भी हो। जब तुम एक बदमाश से अपनी प्रेमिका की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर यह दौलत और कारोबार कैसे संभाल सकते हो? अपनी दौलत की रक्षा कैसे कर सकते हो? यह बात नहीं अंकल, दरअसल मैं सेटअप मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, दूर हो जा मेरी नजरों से। ठीक है मैं जा रहा हूं। साला मुफ्त की दौलत पाकर पागल हो गया है। उसी रात राणा अपने मित्र विक्रम से मिला। वह लड़का बिल्कुल निकम्मा है, मैं उसकी ओर से बहुत परेशान हूं। तुम बेकार के चक्कर में पड़ गए हो राणा, उसकी दौलत उसके हवाले करो और अपना पीछा छुड़ाओ। नहीं विक्रम, उस लड़के में न तो साहस और न ही आत्मविश्वास। आज बोंगा नामक एक गुंडे ने उसकी पिटाई की है, वह तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता, फिर कारोबार और दौलत को कैसे संभालेगा? बोंगा तो काफी खतरनाक गुंडा है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन राकेश उसे क्यों भिड़ गया था? राणा ने उसे पिंकी और राकेश के संबंध के बारे में बताया। पिंकी बहुत अच्छी और समझदार लड़की है, मेरा विचार है तुम उससे राकेश की शादी कर दो। और अभी उसकी शादी नहीं हो सकती सोनलाल, मुझे एक और महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है और उसी काम के लिए इस सिलसिले में मैं कल अकेला रेगिस्तान में जा रहा हूँ। तुम्हारे पास मैं इसलिए आया हूँ कि तुम मेरे पीछे से राकेश पर नजर रखना। और अगले दिन सुबह राणा अकेला रेगिस्तान की ओर चला गया। अपने मित्र की इच्छा अनुसार विक्रम राकेश से मिलता रहता था। अब तुम्हारे गाँव कैसे हैं? लगभग ठीक हो चुके हैं राणा, अंकल को गए 15 दिन हो गए, उनकी कोई खबर नहीं आई। 20वें दिन राणा खुद लौट आया, लेकिन वह बहुत बीमार था। विक्रम उससे मिलने पहुंचा। मैं तुम्हें याद कर रहा था विक्रम, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं अपने दोस्त की हर मदद करने को तैयार हूँ। बात यह है विक्रम कि मैं रेगिस्तान में खजाना तलाश करने गया था, उस खजाने का पता मुझे सोनलाल ने बताया था। मैंने खजाना तलाश भी कर लिया था, लेकिन अपनी बीमारी के कारण
साथ नहीं लाश का। मैं चाहता हूं कि तुम राकेश को साथ लेकर वह खजाना लेने लेने चले जाओ। राकेश रेगिस्तान की शक्तियां नहीं झेल पाएगा, तुम अच्छे हो जाओ फिर हम दोनों चलेंगे। नहीं विक्रम, मुझे ठीक होने में बहुत समय लगेगा, वह खजाना बहुत जल्दी लाना जरूरी है। वास्तव में वह राकेश की संपत्ति है, उसके बाप ने ही वह खजाना वहां छुपाया था और जब वापस लौट रहा था तो मौत का शिकार हो गया था। थोड़ी बहस के बाद विक्रम राकेश को साथ लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। यह उस स्थान का नक्शा जहाँ खजाना छुपा है। तुम रेगिस्तान से अच्छी तरह परिचित हो, उम्मीद है जल्दी वह स्थान ढूंढ लोगे। ढूंढ तो लूंगा, लेकिन तुम साथ होते तो कुछ और बात होती। रेगिस्तान में जाकर खजाना तलाश करने की बात सुनकर राकेश को कोई खुशी नहीं हुई। मैं रेगिस्तान में नहीं जाना चाहता, तुम्हें चलना पड़ेगा, यह तुम्हारे राणा अंकल का आदेश है। राणा को मन ही मन बुरा भला कहते हुए राकेश चुप हो गया। पूरी तैयारी करने के बाद विक्रम राकेश को साथ लेकर रेगिस्तान में निकल पड़ा। यहाँ तो चारों तरफ वीरानी है, रेगिस्तान वीराने का ही नाम है बेटे। दोपहर होने से गर्मी बहुत बढ़ गई थी, मेरा तो गर्मी से भेजा पिघला जा रहा है। यही टेंट लगाकर आराम करते हैं, चुपचाप चलते रहो। रात हो गई तो उन्होंने एक स्थान पर टेंट गाड़ दिया। बूटों को बांधने के बाद खाने का सामान उतार कर टेंट में चलो। मुझ में तो खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं है, सामान आप ही उतारिए, मैंने ऊँट बांध दिए हैं। खाना खाकर वह सोने के लिए लेट गए। विक्रम अंकल, यह रेगिस्तान का सफर मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो सुबह वापस चला जाऊंगा। अगर तुम वापस चले गए तो राणा बहुत नाराज होगा और तुम्हारी दौलत तुम्हें कभी नहीं देगा। सुबह वह टेंट से बाहर आए तो एक ऊँट को गायब पाया। एक ऊँट कहाँ गया, तुमने उसे बांधा नहीं था क्या? मैंने तो बांधा था, शायद रस्सी तोड़कर भाग लिया होगा। यह बहुत बुरा हुआ, उस ऊँट पर पानी का भंडार लदा हुआ था जिसे वह साथ ले गया, और हमारे पास बहुत कम पानी है, तो फिर वापस चलते हैं। लेकिन विक्रम वापसी के लिए तैयार नहीं हुआ और यात्रा जारी रखी। हम अपने मिशन में सफल होकर ही वापस जाएंगे, ऐसी की तैसी तुम्हारे मिशन की। दोपहर को उन्हें रेगिस्तानी आंधी ने घेर लिया। ऊंट से उतर जाओ और नीचे लेट जाओ। आंधी इतनी भयानक थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक घंटे बाद आंधी थम गई तो उन्हें एक और आघात लगा। अरे, एक ऊंट और कम हो गया। ओ गॉड, लगता है तूफान से भिदककर भाग गया है। रेगिस्तान में यह उनकी तीसरी रात थी। अब हम उस खजाने से कितनी दूर हैं? कल शाम तक हम उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जो नक्शे में दिखाया गया है। कुछ देर बाद वह टेंट लगाकर सोने के लिए लेट गए, तभी उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी। धोए, यह क्या हुआ? विक्रम टॉर्च उठाकर बाहर निकला। ओह, इस ऊंट को क्या हुआ? राकेश भी निकल आया। क्या हुआ? किसी ने हमारे ऊंट को गोली मार दी है। फिर वह राकेश को टेंट में ले आया। इस वक्त बाहर खड़े रहना ठीक नहीं है, कोई लुटेरा या फिर कोई शत्रु हमारे पीछे लगा हुआ है। अब हमें बहुत सावधान रहना होगा। लेकिन यह रेगिस्तान में हमारा कौन शत्रु पैदा हो गया? उसके सवाल का जवाब विक्रम के पास नहीं था। सुबह को विक्रम ने टेंट के आसपास घूमकर दुश्मन के कदमों के निशान तलाश करने की कोशिश की। वह जो कोई भी था बहुत चालाक था, उसने रेत पर निशान नहीं छोड़े हैं। उन्होंने अपनी यात्रा फिर शुरू की। मुझे डर लग रहा अंकल, अगर कोई हमारे पीछे लगा हुआ है तो वह हमें खजाना नहीं ले जाने देगा। जैसे हम उस खजाने के निकट पहुंचेंगे वह हमें गोली मार देगा। राकेश ठीक कह रहा है, रेगिस्तान में एक अनदेखे शत्रु से निपटना सरल काम नहीं है। वह हम पर हमला जरूर करेगा, लेकिन फिलहाल मुझे राकेश के सामने अपनी चिंता प्रकट नहीं करनी चाहिए। हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास भी बंदूकें हैं, अगर वह गोली चलाएगा तो हम भी मुकाबला कर सकते हैं। शाम तक वह रेत के एक विशाल टीले के निकट पहुंच गए। यही टेंट लगाते हैं, नक्शे के अनुसार इस टीले के निकट ही कहीं वह खजाना है। टेंट लगाने के बाद उन्होंने खाना खाया, फिर टहलने की गर्ज से विक्रम अकेला टेंट से बाहर निकल आया। चांद की रोशनी में रेगिस्तान दूर दूर तक साफ दिखाई दे रहा है। अचानक उसकी नजर रेत पर बने कदमों के निशानों पर पड़ी। यह निशान अवश्य यह उस व्यक्ति के हैं जो हमारा पीछा कर रहा है, और वह उन निशानों के पीछे चल दिया।
देखना होगा ये निशान कहां तक जाते हैं। रेत के एक छोटे टीले के निकट जाकर निशान गायब हो गए थे। उसने सावधानी से टीले के पीछे झांका। ओ गॉड, यहाँ तो दुश्मन मौजूद है, काश मैं बंदूक साथ ले आता। फिर विक्रम तेजी से वापस टेंट में आया। सुलो अपनी बंदूक उठाओ, मैंने दुश्मन को ढूंढ निकाला है, क्या मैं लड़ना होगा? जब बैटरी लेके पीछे पहुंचे तो दुश्मन सो चुका था। अरे यह तो बोंगा है, धीरे बोलो, अब मैंने भी उसे पहचान लिया है। विक्रम दबे कदमों से आगे बढ़ा और बोंगा की बंदूक उठा ली। फिर अपनी राइफल की नाल से उसे गुदगुदाया, तो कौन है? ए उठो, हम तुम्हारी मौत भी बन सकते हैं, जल्दी बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, तुम कौन होते हो पूछने वाले? यह सरकार की जमीन है, तुम्हारी नहीं। लेकिन तुमने जिस ऊंट को गोली मारी थी वह हमारा था। मैंने किसी ऊंट को गोली नहीं मारी थी, मैं अपने काम से रेगिस्तान में भटक रहा हूं। बेहतर यही है कि तुम मुझसे न उलझो और अपना काम करो। क्या तुम जानते हो कि हम यहाँ किस काम से आए हैं? सांप पकड़ने आए होगे? विक्रम कुछ क्षण सोचता रहा। ऑल राइट बोंगा, हम जा रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने हमारे साथ कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे चेतावनी दे वह टेंट में लौट आए। अगले सुबह वह टेंट के बाहर बैठे चाय पी रहे थे कि आकाश में एक छोटा हवाई जहाज दिखाई दिया। यह तो फ्लाइंग क्लब का 4 सीटर जहाज है, लगता पायलट भटक कर इधर आ गया है। तभी जहाज से कोई चीज गिरी, उसने कुछ गिराया है, पैराशूट या तो कोई व्यक्ति कूदा है, कहीं राणा तो नहीं आ गया? पैराशूट उनसे लगभग 200 गज की दूरी पर गिरा था। चलो देखते हैं। माय गॉड, यह तो पिंकी है, यह यहाँ क्यों आई है? पिंकी उन्हें देखकर खुश हो गई थी। मैं तुम दोनों को एक खतरे से खबरदार करने आई हूं। कैसा खतरा? बोंगा को तुम्हारे मिशन के बारे में पता चल चुका है, वह 2 आदमियों के साथ तुम्हारा पीछा कर रहा है और उनका प्लान यह है कि जैसे तुम लोग खजाना हासिल कर लोगे, वह तुम दोनों को गोली मारकर खजाना छीन लेंगे। मैंने खुद बोंगा को यह प्लानिंग करते सुना था। बोंगा से तो हम पहले ही मिल चुके हैं, लेकिन यह जानकर हैरत हुई कि वह खजाने के बारे में जानता है। और तुम्हें खजाने के बारे में किसने बताया? राणा अंकल ने, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। जहाज के पायलट को उन्होंने यहाँ का नक्शा समझा दिया था। जब तुम्हें मालूम था कि हम खतरे में घिरे हुए हैं, तो तुम यहाँ आने के लिए कैसे राजी होगी? राकेश के लिए मैं किसी भी खतरे का सामना कर सकती हूँ। उसका उत्तर सुनकर राकेश का चेहरा खुशी से चमकने लगा। फिर वह पिंकी को टेंट में ले आई। हम तुम्हारे यहाँ जाने से हमारी मुसीबत में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि हमारे पास खुराक का भंडार बहुत कम है और पानी तो लगभग समाप्त हो चुका है। पानी की चिंता नहीं है, मैंने जहाज से एक स्थान पर पानी का तालाब देखा था, वह स्थान यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तो फिर हमें सबसे पहले पानी का वह तालाब ही तलाश करना होगा। चलो राकेश, कैन उठाओ। चलिए, पानी की कैन उठाकर वह तीनों निकल पड़े। 1 मील के दायरे में किसी जगह तालाब है, फिर तो हम वह जगह जल्दी तलाश कर लेंगे। कुछ ही देर में उन्होंने तालाब तलाश कर लिया, लेकिन वहां एक टेंट भी लगा दिखाई दिया। यहाँ किसी का टेंट भी लगा हुआ है, शायद यह बोंगा और उसके साथियों का पड़ाव है। वह तालाब के निकट पहुंचे, तभी टेंट से 2 व्यक्ति बाहर निकले। ये तुम लोग यहाँ से पानी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? यह जगह हमारी है और यह पानी भी। शट अप, रेगिस्तान किसी के बाप की संपत्ति नहीं होता, हम पानी जरूर लेंगे। उस व्यक्ति ने पिस्तौल निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन झुम ओह। दूसरे व्यक्ति ने भी पिस्तौल निकालना चाहा, लेकिन राकेश ने पहली बार बहादुरी दिखाई। उफ, विक्रम ने अपने प्रतिद्वंदी को संभलने का अवसर नहीं दिया। झुम तोड़, कुछ ही क्षणों में वह बेहोश होकर गिर गया। विक्रम ने पलटकर राकेश की ओर देखा। शाबाश राकेश, विक्रम की आवाज सुनते राकेश में कुछ ज्यादा जोश भर गया और वह गुंडे की छाती पर चढ़कर बैठ गया और उस पर गुस्से बरसाने लगा। भ्षुम भ्षुम, जल्दी वह गुंडा भी बेहोश हो गया। हुर्रे, मैंने उसे नॉकआउट कर दिया। वेल डन राकेश, अब जल्दी से पानी लो और यहां से निकल चलो। पानी लेकर वह टेंट में वापस आ गए। अंकल, वह दोनों बोंगा के साथी थे, कहीं वह हमारे टेंट पर हमला न कर दे। नहीं करेंगे जब तक हम खजाना तलाश नहीं कर लेते,
वे हमें मारना नहीं चाहेंगे। खाना वगैरह खाने के बाद विक्रम ने नक्शा निकालकर फैलाया। इस वक्त हम यहाँ हैं, बड़े टीले से दाई और 2 मील के एरिया में ही किसी स्थान पर वह खजाना है। राणा ने मुझे बताया था कि खजाने के निकट वह एक बांस गड़ा आया है। अंकल मेरा ख्याल है यहाँ से टेंट उखाड़ लेते हैं। अगर खजाना 2 मील की दूरी पर है तो हम शाम तक उसे तलाश कर लेंगे। तुम ठीक कहती हो। टेंट समेट कर वह खजाने की तलाश में निकल पड़े। टीले से दाई ओर चलना है। सूरज डूबने से पहले उन्हें एक स्थान पर बांस गड़ा हुआ नजर आया। अंकल वह देखो बांस। हाँ हम खजाने तक पहुंच गए हैं। बांस में कागज भी फंसा हुआ था। यह कागज राणा ने ही लगाया होगा। विक्रम ने कागज खोला। यह लिखाई राणा की है। यही वह खजाना है मेरे दोस्तों। तो आखिर हमने खजाना तलाश कर ही लिया। हाँ टेंट लगाओ, शाम हो गई है। अब तो सुबह यहाँ खुदाई करेंगे। तीनों ने मिलकर टेंट लगाया। मेरी समझ में एक बात नहीं आई, भला डैडी को यहाँ कोई खजाना छुपाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। यह बात मेरी समझ में भी नहीं आई। टेंट के भीतर बैठकर उन्होंने खाना खाया। अब हमें बहुत सावधान रहना होगा और उसके साथी हम पर नजर रखे होंगे। रात को हम बारी बारी पहरा देंगे। आप ठीक कहते हैं, खाना खाकर आप और पिंकी सो जाइए। मैं आधी रात तक पहरा दूंगा, फिर आपको जगा दूंगा। खाना खाने के बाद विक्रम और पिंकी सो गए। बोंगा को मैं यह खजाना छूने भी नहीं दूंगा। बड़ी मेहनत और मुसीबतें उठाने के बाद मैंने यह खजाना पाया है। रात बिना किसी हंगामे के बीत गई। सुबह होते ही राकेश बोला, पहले खुदाई करके खजाना निकाल लिया जाए। अभी नहीं, पहले मैं देखना चाहता हूँ कि बोंगा और उसके साथी कहाँ है। तुम दोनों ये टेंट में बैठो, मैं एक चक्कर लगाकर देखता हूँ। जल्दी वापस आइएगा। विक्रम टेंट से काफी दूर निकल आया। इस तरफ तो कोई नहीं है, लेकिन बोंगा वापस तो जा नहीं सकता। दूसरी तरफ चलकर देखता हूँ। और जब वह टेंट की ओर वापस आ रहा था, धोए यह तो गोली की आवाज है। क्या उन्होंने टेंट पर हमला कर दिया है? मुझे तुरंत पहुंचना चाहिए। राकेश अकेला मुकाबला नहीं कर सकेगा। धोए धोए। कुछ दूरी से उसने टेंट को देखा। धोए धोए। दुश्मन उस टीले के पीछे है। मुझे चक्कर लगाकर पीछे से हमला करना चाहिए। टीले के निकट जाकर उसने दूसरी तरफ झांका। वही है, लेकिन अकेला है। अगले पल गोली चलाना बंद कर दो और सीधे खड़े हो जाओ। वह फुर्ती से पलटा और विक्रम पर गोली चलानी चाहिए, लेकिन विक्रम होशियार था। धोए। तभी विक्रम ने 2 व्यक्तियों को टेंट की ओर बढ़ते देखा। बोंगा अपने साथी के साथ टेंट की ओर जा रहा है। विक्रम ने तुरंत अपनी राइफल से निशाना लिया, लेकिन तभी दूसरी तरफ से गोली चली। यह गोली किसने चलाई है? धोए। तभी बोंगा पलटा, लेकिन विक्रम गोली चला चुका था। बोंगा नियत्था हो चुका था, इसलिए एक तरफ को दौड़ा। राकेश ने भागते हुए बोंगा का निशाना लिया, लेकिन अगले पल यह विचार त्याग दिया। नहीं, मैं इसे गोली नहीं मारूंगा। एक दिन इसने खाली हाथों से मेरी पिटाई की थी, आज मैं उसका बदला लूंगा। अतः उसने राइफल फेंक दी और बोंगा के पीछे भाग खड़ा हुआ। ठहर जा, मैं आ रहा हूं। कुछ ही देर में वह बोंगा के सामने पहुंच गया। जाता काय कायर, आज मैं तुझसे अपना बदला जरूर लूंगा। अबे मरना आ गया? यह दृश्य देखकर विक्रम उनकी ओर दौड़ पड़ा। यह मूर्ख फिर बोंगा से भिड़ गया है। राकेश ने बोंगा पर हमला कर दिया था। भ्यूम भ्यूम। ओह, आज बोंगा का कोई वार निशाने पर नहीं बैठ रहा था। फिर कोशिश कर। राकेश में न जाने कहां से शक्ति का स्रोत फूट पड़ा था। उसने बोंगा की हालत खराब कर दी थी। भ्यूम भ्यूम। विक्रम जब निकट पहुंचा, तब तक बोंगा बेहोश हो चुका था। आज मैंने इसे भी नॉकआउट कर दिया अंकल। शाबाश राकेश, आज मुझे पता चला कि मैं कमजोर नहीं हूं। मैं बोंगा जैसे लोगों से लड़कर उन्हें पराजित कर सकता हूँ। ओह राकेश। तभी दाई और टीले के पीछे से एक व्यक्ति निकल कर आता दिखाई दिया। वह कौन है? वह निकट आए तो राणा राणा अंकल। हाँ विक्रम, मैं कल पिंकी के साथ ही जहाज में आया था, लेकिन तुम्हारे टेंट से पहले ही कूद गया था। मैं दूर रहकर तुम्हारी निगरानी करना चाहता था। ओह, तो बोंगा के साथी को गोली तुमने मारी थी?
हाँ, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं राकेश को एक साहसी और आत्मविश्वासी पुरुष के रूप में देख रहा हूँ। यही देखने के लिए मैंने खजाने का नाटक रचा था। नाटक? कैसा नाटक अंकल? यहाँ कोई खजाना नहीं है, मैंने झूठ बोलकर तुम्हें यहाँ भेजा था ताकि तुम जीवन की शक्तियाँ झेलनी सीख सको, तुम्हारे अंदर अपनी अपनी रक्षा करने का साहस पैदा हो। इसलिए मैंने बोंगा को खबर कर दी थी कि तुम खजाना ढूंढने गए हो और बोंगा एक शत्रु के रूप में तुम्हारे पीछे लग गया। यही मैं चाहता था कि तुम बोंगा को पराजित करो और अपने अपमान का बदला लो। पिंकी को भी मैं यहाँ इसलिए लाया था कि वह तुम्हें एक बहादुर इंसान के रूप में देख सके। तुम्हारे पापा को मैंने वचन दिया था कि मैं तुम्हें एक साहसी इंसान बना दूंगा, अतः तुम्हें जीवन की सच्चाई समझाने के लिए मुझे खजाने के झूठ का सहारा लेना पड़ा। लेकिन अब मैं यह कहूंगा कि तुमने सचमुच एक खजाना ढूंढ निकाला है और वह खजाना खुद तुम्हारे भीतर छुपा हुआ था, साहस और आत्म सम्मान का खजाना। अब तुम अपनी मंगेतर की रक्षा भी कर सकते हो। वापस पहुंचते ही मैं तुम्हारी संपत्ति तुम्हें सौंप दूंगा। ओ अंकल, मैं आपको आज तक गलत समझता रहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम भी मुझे क्षमा करना क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ काफी सख्त व्यवहार किया अपनाया था। फिर राणा ने विक्रम का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मेरे दोस्त, तुम्हारे कारण मैं अपने मकसद में सफल हुआ हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने तुम्हें राकेश के साथ भेजा था। तुम्हें जो कष्ट उठाने पड़े हैं उनके लिए मुझे क्षमा करना। मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, बल्कि मुझे भी तुम्हारी तरह खुशी हो रही है कि राकेश अब बिना किसी सहारे के अपना जीवन जी सकेगा। मैं आप दोनों का सदा आभारी रहूंगा। और मैं भी समाप्त। तो दोस्तों, एक कॉमिक्स को ज्यादा खास तो थी नहीं, तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में जो थोड़ी से अच्छी हो।